today's topic is based upon the various your healthy and sanitation process pe based hai pharmacology that is chemotherapy of protozoal disease. So let's begin with the definition and some introduction. In this we will cover the various introduction of protozoal diseases or protozoal drugs, anti-protozoal drugs, with the classifications and their mechanism of action. Different जो drugs हैं उनकी mechanism of action हम और कैसे use होती हैं, किस तरह की diseases होती हैं वो उसके बारे में हम discuss करेंगे. So let's begin with the introduction of the chemotherapy of protozoal disease. अगर हम बात करें इस term की chemotherapy, आप कीमोथेरेपी से क्या समझते हैं? कीमोथेरेपी अगर इसको बाइफर्केट किया जाए ना, इसको डिवाइड किया जाए तो ये कीमो प्लस थेरेपी से बना है. कीमो क्या होता है? केमिकल एजेंट्स, आपने पढ़ा होगा दैट केमिकल एजेंट्स विच आर यूज्ड टू अरेस्ट द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज. तो हम कह सकते हैं कीमोथेरेपी क्या होता है, इट इज अ, इसको बाइफर्केट कर दें तो कीमो मीन्स केमिकल, केमिकल एजेंट्स. इसमें यूज करते हैं हम यूज ऑफ केमिकल एजेंट्स टू अरेस्ट द प्रोग्रेस. अमीबा कोई शेप
अमीबा क्या है? अमीबा क्या करता है? ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। प्रोटोजोआ है, ये भी जो अमीबा है आपने सुना होगा, अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये इस तरह के जो पैरासाइट होते हैं ना, ये डिजीज कॉज करते हैं। और ये पैरासाइट क्या है? प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ जो कि एनिमल्स पानी में मिलते हैं। तो ये क्या करते हैं, जैसे अमीबा की बात करें, अमीबा गैस्ट्रिक, ये हमारे ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाता है। किसके थ्रू एंटर करता है? बाय, हम बात करें बाय कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है। लेकिन जो गैस्ट्रिक HCL होती है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि कुछ प्रोटोजोआ किस तरह के होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ इस टाइप के होते हैं कि जो कि इतने इनएक्टिव होते हैं, ज़्यादा वो नहीं होते, इन्वेसिव नहीं होते, नॉन इन्वेसिव होने के कारण वो क्या होते हैं, गैस्ट्रिक HCL में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हमारी इंटेस्टाइन तक पहुँच ही नहीं पाते। लेकिन कुछ प्रोटोजोआ ज़्यादा इन्वेसिव होते हैं तो वो लार्ज इंटेस्टाइन को कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें ये अमीबा की, तो इसमें ये जो इसकी एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, इसका नाम देखें, एंट अमीबा, सकती है, विच में लीड टू सीरियस प्रॉब्लम भी कॉज कर सकती है। इसी तरह से आपने एक
कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा आपने ई कोलाई जिसको कहते हैं, ई कोलाई आपने पढ़ा होगा, प्लाज्मोडियम पढ़ा होगा, ये अलग अलग प्रोटोजोआ है जो कि डिजीज कॉज करते हैं अलग अलग तरह के। जैसे इसमें अमीबाइसिस कॉज कर दी, डाइसेंट्री, डायरिया कॉज कर दिया, अलग अलग तरह के, ऐसे आपने प्लाज्मोडियम सुना होगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनको जो क्या होता है थ्रू द वाटर या फूड के थ्रू एंटर करते हैं, जैसे हमने एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में पढ़ा और ई कोलाई के बारे में पढ़ा, जो कि कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ट्रांसफर हो जाते हैं बॉडी में। लेकिन अगर हम बात करें कुछ, जैसे प्लाज्मोडियम की बात करें, उसको वेक्टर चाहिए होता है, वो वेक्टर के थ्रू बॉडी में एंटर करता है। वेक्टर जैसे इसमें आपको पता है, आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ये फीमेल एनिफिलीज होती हैं, इनका अलग अलग मैकेनिज्म होता है, ये क्या करती हैं आरबीसी को रप्चर करके क्या करती है मलेरिया कॉज करती है। प्रोटोजोई तो है ये, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, एंट अमीबा कोलाई है वो भी प्रोटोजोआ है जो कि डाइसेंट्री और डायरिया कॉज करता है, एंट और उसके बाद प्लाज्मोडियम है वो भी एक प्रोटोजोआ है, वो वेक्टर की हेल्प से बॉडी में एंटर करता है और उसमें मलेरिया जैसी प्रॉब्लम कॉज करता है। मैकेनिज्म अलग अलग है उनका, वो तो सीधा फूड से जाता है और वो क्या होता है जो आरबीसी एंटर करके वेक्टर की हेल्प से आरबीसी को रैप्चर कर देता है। तो जो प्रोटोजोअल जो डिजीज जो एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स है इसके लिए यूज की जाती है ताकि वो जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर सके, किल कर सके, जो भी प्रोटोजोआ है हमारे बॉडी में जाकर पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंज है उसको, चेंजेस है, अल्टरेशन है, उसको रिड्यूस करता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स या फिर एंटी अमीबिक ड्रग्स कह सकते हैं इसको। इसको ट्रीट करने के लिए, इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स और क्या कह सकते हैं हम एंटी अमीबिक ड्रग्स, ये यूज की जाती है इनकी ट्रीटमेंट के लिए। ये जो डिजीज है या फिर हम ये कह सकते हैं इन डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, ये ड्रग्स यूज की जाती है। अब ये ड्रग्स का काम क्या होता है, जो भी मतलब कि पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उसको रिड्यूस करती है। ये क्या करती है, रिड्यूस पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन इन बॉडी। जो भी बॉडी में पैथोलॉजिकल जब ये एंटर कर जाते हैं ना, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, वो मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और उन चेंजेस के कारण क्या होता है, दैट कॉज द डिजीजेस, अलग अलग तरह के डिजीज कॉज करते हैं, जैसे डाइसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, इस तरह की डिजीज कॉज करते हैं। अब इतनी सारी डिजीज हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है, क्या कारण है, क्यों हो रही है। मैंने इनिशियली आपको जब स्टार्ट किया था चैप्टर, तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि जो आपका ये चैप्टर है कीमोथेरेपी ऑफ प्रोटोजोअल डिजीज, ये बेस्ड है आपके सैनिटेशन प्रोसेस से। तो इसका सबसे पहला रीजन क्या हो गया, कॉज क्या हो गया, अगर हम बात करें इसके रीजन की, रीजंस क्या है इसके, सबसे पहले तो अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर बेस्ड है इसका रीजन, अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल आपका कैसा है, अगर आप प्रॉपरली साफ सफाई हाइजीन नहीं रखते, तब पुअर सैनिटेशन नहीं है अच्छे तरीके से, पुअर सैनिटेशन, प्रॉपरली क्लीन नहीं है, अनहाइजीनिक है। ये मोस्टली जितने भी जैसे जो अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जैसे आप तो बात करते हैं, अगर पब्लिक टॉयलेट्स की बात कर लेते हैं, वो यूज़ करते हैं, वो क्या होता है मोस्टली वो इतनी हाइजीनिक कंडीशन में नहीं होते, और वो एक बार नहीं, मोर देन वन टाइम बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, दैट विल ऑल्सो कॉज द
आर दिस टाइप ऑफ सीवियर प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स कॉज कर देती हैं। या फिर और क्या रीजन हो सकता है, अनहाइजीनिक लाइफ स्टाइल भी कह सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारा अनहाइजीनिक बात करें तो ये एक इन्वेसिव फेस में भी होता है, नॉन इन्वेसिव भी। 90% तो नॉन इन्वेसिव होते हैं, 90% बात करें तो दैट आर नॉन इन्वेसिव। और जो 10% होते हैं दैट 10% आर इन्वेसिव, इन्वेसिव फेस में होते हैं, इन्वेसिव फेस। अब 90% नॉन इन्वेसिव फेस मतलब कि वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। बॉडी में एंटर किया, कोई थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं हमें दिखे तो ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इस तरह के सिम्टम शो नहीं करते, वो नॉन इन्वेसिव होते हैं। या फिर हमारे बॉडी में एंटर किए, हमारे बॉडी में क्या है, स्टमक में गैस्ट्रिक एचसीएल है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आगे इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं देता, या फिर वो आगे मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, तो वो नॉन इन्वेसिव होते हैं 90%। क्योंकि हम बाहर का फूड स्टफ बहुत खाते हैं तो हमें क्या पता किस तरह का वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का वो कंटेमिनेटेड भी हो सकता है, हाइजीनिक नहीं हो सकता प्रॉपरली। तो मोस्टली हम उसको 90% नॉन इन्वेसिव फेस में मानते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो 10% है वो इन्वेसिव फेस में आ जाता है, इट मीन्स वो किसको इफेक्ट करता है, हमारे कोलोन को, लार्ज इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है और सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर देता है। अब ये होता कैसे है, ये कंटेमिनेट कर देता है, ये कैसे हमारे इन्वेस्टिव फेस होता है, ये कहाँ से हमारे उसमें आता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से या फिर अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल से। अब इसका एक मैकेनिज्म है भी किस वे से वो हमारी बॉडी में एंटर करता है जो अमीबा, और किस तरह से अलग अलग डिजीज कॉज करता है, और उसके हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह के मेजर्स ले सकते हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आज हमने आपको डिस्कस किया, मैंने कीमोथेरेपी ऑफ द प्रोटोजोअल डिजीज हमारा नया टॉपिक था, जो कि सैनिटेशन प्रोसेस के ऊपर टोटली बेस्ड है, कि आप साफ सफाई रखोगे, हाइजीनिक कंडीशन में रहोगे और प्रॉपरली जो फूड है वो विदाउट कंटेमिनेशन अच्छे से फूड लोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें हमने कीमोथेरेपी के बारे में पढ़ा, कीमोथेरेपी वो एजेंट्स होते हैं, जो केमिकल एजेंट्स जो कि उन डिजीज को ट्रीट करते हैं जो किसके कारण होती है, दैट कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं जो सबसे पहले इस अर्थ पे आए थे, उनको कहा जाता है, बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत माइन्यूट होते हैं, इवन हम उसको नेक्ड आई से विजुलाइज नहीं कर सकते, उसके बारे में पढ़ा। और उसमें थोड़ा सा प्रोटोजोआ के हमने बताया,
कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे एट अमीबा हिस्टोलिटिका हो गया, एट अमीबा कोलाई हो गया, प्लाज्मोडियम, अलग अलग तरह के हमने प्रोटोजोआ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, अलग अलग किस तरह से क्या काम करते हैं, वो ड्रग्स क्या करती हैं, वो पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल जो हमारे बॉडी में जाकर ना ये एक तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं हमारी बॉडी से और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते रहते हैं तो वो डिजीज कॉज कर देते हैं। तो पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल जो अल्टरेशन होती है बॉडी को उसको कौन प्रिवेंट करता है, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स और एंटी अमीबिक ड्रग्स। इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। इसका कैसे ये मैकेनिज्म है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और किस तरह से एंटर करके डिजीज कॉज करता है और क्या क्या इसमें मैकेनिज्म क्या है और इसकी क्या क्लासिफिकेशन है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।